हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज हम पता नहीं ये क्यों करने जा रहे हैं, बट करने जा रहा हूँ मैं कि आई एम गोइंग टू शेव माय फेस। और ये मैंने आज तक कभी करा नहीं है, तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि हाउ टू डू डैट। मतलब थ्योरी का आइडिया, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे रणवीर भैया की वीडियो देख ली थी, बट प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ऑसम। आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आई विल ट्राई कि मैं जिंदा वापस, मतलब शेविंग में जितना जो भी है, मतलब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि देखते हैं भाई कैसे लगते हैं। सो यार, इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। कल मैं डीमार्ट गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ सामान ले आता हूँ। सामान लाने के चक्कर में पूरा डिब्बा भर के ले आया मैं। अब इस डिब्बे के अंदर एक मैं ये जिलेट का फोम लेकर आया, ट्रिमर लेकर आया हूँ, हेयर ड्रायर लेकर आया हूँ, और लाया हूँ एक कहाँ गया। हाँ भाई देखो, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते, सस्ता रिजन लाया, इसलिए जिलेट मार्क 3 टर्बो का कोई फॉर्मूला 1 एडिशन था, सेक्सी लग रहा था, उठा लाया। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा महंगा हो गया तो इसके पैसे वापस भी तो लेने ना, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज बिजनेस। सो यस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू तो भाई मैंने कुछ वीडियो देखी थी कि यू नीड फोम, फोम तो ऐसे लग जाता है, एंड यू लाइक रेजर, एंड यू विल नीड पानी। सो पहले पानी लेकर आते हैं। तो अपना पानी आ चुका है, अपनी फोम आ चुकी है, और अपना रेजर आ चुका है। सो यस, मैं एक पोर्ट्रेट में अपने आप को रिकॉर्ड करूँगा ताकि मैं इंस्टा पे रील डाल दूँ कि मैं शेव से पहले और शेव के बाद कैसा लग रहा था। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और आज थोड़ी एनर्जी कम है क्योंकि मैं सुबह नहीं, रात से अब मुँह जाकर उठाऊँ, 11 घंटे सोया हूँ मैं। मेरे को नहीं पता नहीं कैसे मैं 11 घंटे सोया हूँ आज। कल लाइक बहुत ज़्यादा काम होगा तो इसलिए भी हो सकता है, बट यस वी आर गोइंग टू शेव आवर फेस एंड लेट्स सी क्या होने वाला है। मेरे बाल भी अजीब से हो रहे, तो नहाना भी पड़ेगा उसके बाद। सो लेट्स गो। भाई ये क्या स्कैम है? ओके अच्छा, ऐसे 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 लगानी है ऐसे। ओके समझ गए भाई, समझ गए। लेकिन ये बड़ी सही टेक्नोलॉजी है भाई, मैंने हल्का सा पुश प्रेस करा और सारा निकल गया भाई। कितना दिस इज सो ऑड रे, सही बताऊं तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है कि पहली बार देखो शेविंग क्रीम लगाई शक्ल पे भाई। मेरे हॉटों पे भी लग गए यार, जो भी है भाई सही है। चलो कितना अजीब लग रहा हूँ यार मैं। जय श्री राम, जय हनुमान। भाई ये रेजर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है जिलेट का मार्क 3 टर्बो का रेस एडिशन, और भाई लिटरली पता नहीं चल रहा शक्ल पे लग रहा है, तो बहुत स्मूथ शेव आ रही है। वैसे भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ। सो या सो मैंने जो है इतना कुछ कर लिया, मेरे को अभी थोड़ा मुंह धो के चेक करना पड़ेगा कि कितना हुआ है। सो मेरे को पता है स्टिल मेरे को क्लीन शेव नहीं होगा, तो मैं एक और बार करूंगा इसको, क्योंकि मुझे पता है बहुत बहुत जगह ऐसी होंगी जो बच चुकी होंगी, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट एट दिस फील्ड, बट लेट्स सी। मुझे पता अभी से लोग चिकना ओपन द चैट लिखना शुरू कर देंगे, बट या मेरे को करना था ये, आई हैव टू ट्राई दिस थिंग आउट। एंड सही लग रहा है यार, इतना बुरा भी नहीं लग रहा यार, ये बात तो माननी पड़ेगी, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। सो आई थिंक गाइस, मिशन अकम्प्लिश। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम करा फर्स्ट टाइम ये सब करके। तो मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं कि भाई पहले दाढ़ी पे तो अगर तुम रेजर लगा दोगे तुम्हारी दाढ़ी मोटी निकलेगी, तुम्हारी दाढ़ी गंदी निकलेगी, रफ निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स और तुम्हारी जीन्स पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी दाढ़ी कैसी आएगी। और मेरा भी मानना यही है कि जैसी तुम्हारी छोटी मोटी मूंछ निकलने लगे या फिर कुछ भी निकलने लगे तो शेव कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बट वही बात आ जाती है, इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्लीन शेव रखना है, बियर्ड रखना है, बट भाई मेरे जैसा बंदा तो कुछ भी पुल ऑफ कर सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट सूट्स यू बेस्ट। और फिर हमें इन सब चीज़ों को धोना भी होता है, ये नहीं कि साला कर दिया और इस्तेमाल और फेंक दिया। सो अभी मैं इन सबको धोता हूँ, नहाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर आई गेस कि प्रॉपर लुक आएगा फेस का। तो यप, लेट्स, मैं नहाते हुए तुम्हें वीडियो दिखाने वाला, इतना भी अभी खुले विचार नहीं हुए मेरे कि मैं नहाते हुए तुम्हें शूट करके दिखाऊं, तो अभी इतना नहीं है, बट फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ओके सो मैं नहा धो के आ गया, और मेरे को लग रहा है यार बहुत सही लग रहा है, वैसे सही बताऊं तो इतना बुरा नहीं लग रहा है। अगर शीशे में देखने दो, ओ भाई साहब
उमदा भाई, शक्ल पे नूर देख रहा हूँ भाई। तो मैंने आज बहुत कुछ करा भाई फाइनली, और आई थिंक इट्स अ सक्सेस की या इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। नहाने धोने के बाद तो और अच्छा लग रहा हूँ। एंड या मैंने एक ब्लो ड्राइव भी लिया था। तो अगर इन सब पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि भाई ये जो मिथ बना रखा है भाई बियर्ड का ना इंडिया में खासकर, दिस इज़ लाइक जस्ट अ होक्स। होक्स नहीं मतलब बस है जो है। तो भाई सारा सामान डाल दिया अंदर एंड वी आर गुड टू रॉक दिस थिंग अप। अब मैं पहले कपड़े पहन लेता हूँ, मेरे को ऐसे बोलने में शर्म आ रही है। तो यार यही था अपना फर्स्ट टाइम शेविंग एक्सपीरियंस, क्या बताऊँ तुम्हें कि थोड़ा एक कट लगा यहाँ पे क्योंकि छोटा सा दांत तो कट गया था एंड कुछ ज़्यादा दर्द वर्द कुछ जलन वलन नहीं भी। मैंने फेस वॉश कर लिया था उसके बाद, तो इट्स वेरी गुड। और कुछ ज़्यादा नहीं, ये जो एजेस होते हैं यहाँ पहुँचना थोड़ा हार्ड होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आप शेव करो उसके अनुसार से आपकी आदत बन जाएगी। और ऐसा तो कुछ खास था नहीं। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हेयर ड्रायर ट्रिमर शेवर जो भी है, सब मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तुम चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, विच वी कैन बाय फ्रॉम द मार्केट एट अ चीप प्राइस। सो यस दे आर वेरी गुड। 200-250 रुपये में 60 दिन चलता है तो नॉट अ बैड थिंग। और मैं रोज शेव नहीं करने वाला हूँ, ये बस एक एक्सपेरिमेंट था। अगर अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पूरा लगा तब भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। बहुत लंबा खींच दिया मैंने शेविंग एक्सपीरियंस, पता नहीं कितना लंबा खींचा बट आई डोंट नो। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे तुम्हें इसके शॉर्ट्स वर्जन मिल जाएंगे। सो डेट्स ऑन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड ताकि तुम शेविंग के बारे में मुझसे डायरेक्ट बात कर सको। एंड डू फॉलो मी ऑन ऑल सोशल मीडिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।